अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है फादर्स डे और मुझे और एल्मा को छोड़ दिया है कोल शाहरुख ने, और उन्हें पता नहीं है हम शाहरुख के लिए कुछ चीज़ें ले रहे हैं। ये फ्लावर्स लिए, ये लिया है चॉकलेट हमने। अभी ये शाहरुख को आइडिया नहीं है, ये हम सरप्राइज़ देने वाले हैं। मुझे भी याद नहीं था कि फादर्स डे आज, एल्मा ने मुझे बताया कि आज फादर्स डे, तो कुछ चीज़ें ले रहे हैं हम लोग और शाहरुख को सरप्राइज देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग, सब ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे गाइस। तो गाइस आज का प्लान ये है, आज इनवाइटेड है अपने दोस्त के घर, मेरे एक दोस्त हैं सिटी में। क्या लग रहा हूँ? नाबीना, अंधा अंधा नाबीना, दिन में कौन काला चश्मा लगा, बस घर में वो भी घर के अंदर, हम जो कर ले वो फैशन बन जाए, वो स्टाइल बन जाए। परीशे और एल्मा को और दिखाता हूँ आपको, जिस तरीके से वो लोग कपड़े पहने हुए और जिस तरीके की फुल देसी बने हुए, फुल पंजाबी छोटे बच्चे। एंड हियर कम्स दिस टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, ओह माय गॉड। ओके ओके एल्मा, जस्ट स्टैंड देयर, आई जस्ट वांट टू शो योर ड्रेस, व्हाट आर यू वेयरिंग? नाइस, इट्स अ पाकिस्तानी ड्रेस एल्मा, व्हाट इज दिस थिंग? नेकलेस एंड ब्रेसलेट, Parishe, I like your bangles. Sister love. Like where are we going? Faris house. You know him? You still remember him? Yes. Cheeky boy. And who else is gonna come there? Barrows. And the other one? What's his name? So he does like this. That's why you do it. चल के अब देखते हैं कि अरीबा एंड नानी क्या कर रही हैं बच्चों की। रेडी हो गए आप लोग? हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ, अरीबा रेडी। अच्छा, रेडी हो? पाकिस्तान से आया था ना? अच्छा, वीडियो में था ये ड्रेस? ओके, वेरी नाइस, आई लाइक इट। सासू माँ जवान हो गए भाई ऑस्ट्रेलिया आके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एल्मा व्हाट इज टुडे? हैप्पी फादर्स डे। छोटा सा सरप्राइज प्लान करा है शाहरुख के लिए और मैंने पीछे भेज दिया है शाहरुख को, और मैं जो है कुछ सामान लेकर आई हूँ और हम लोग वाइट गाड़ी में रख कर फिर शाहरुख को बुलाएंगे। प्लान है कि हम इधर, एल्मा कम हेल्प मम्मी, क्योंकि इधर जो है हम सही छुपा सकते हैं, और शाहरुख अंदर जो है कुछ सामान निकालने गए, तो हम लोग जल्दी से इधर चीजें रख लेंगे। एल्मा कम कम, वी हैव टू डेकोरेट हियर, ओके? डैडी डजंट नो एनीथिंग, दिस केक, दैट चॉकलेट एंड दैट फ्लावर, यू गिव इट टू डैडी, ओके? राइट नाउ, यस। How we decorate with this? No, don't open this. Like this? Yes. Where is Daddy? Go. Call Daddy. What surprise? मुझे वो tripod नहीं मिल रहा यार. What surprise?
I got my other Natalia. I can't tell you. What surprise you got for me? Close your eyes first. Okay, my eyes are almost closed. What you got? Open your eyes. Huh? आप भी दो बाबा को दो थैंक यू ये सब कब किया देखो मेरी आँख थोड़ी सी गीली हो गई यार आओ फादर्स डे पे उसकी और इसकी आपकी आंख और इसकी आंख गीली हो जाती मुझे मुझे मेरा भाई शिरोज याद आ गया उसके भी बच्चे हैं ना याद हाँ, करेंगे हाँ, बहुत 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 याद आ रहा है मुझे अपना गाइस मुझे अपना छोटा भाई बहुत याद आ रहा है क्योंकि देखिए वो उसका तो इंतकाल हो गया क्योंकि लेकिन उसके अपने छोटे बच्चे भी उसके अपने बच्चे बहुत छोटे थे अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम दे मेरे भाई को Nice, Alma. You're singing good. Love you, Daddy. Okay, now Parisha go. Huh? This is for me? Thank you. I really like this. अब देगी आपको देगी थैंक यू परीक्षा एंड एल्मा ये तुम कब लेकर आई हो यार ये सरप्राइज था एल्मा और मेरा अच्छा वैसे... आपको पता है एल्मा ने अपने पैसे से मंगवाया था मुझसे जो वो रखती है पैसे जो जमा करके रखती है हाँ उसने कहा था मेरे पैसे से लेना कल रात ही ये सब प्लान आपको बताया था एल्मा ने नहीं कुछ भी नहीं बताया इसने लेकिन एक बात बताऊं ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा शेयरिंग की आदत है और देखो किस्म दो किस्म होती है एक होती है लेना एक होता है देना बच्चे जिस इंसान के अंदर देने वाली है ना क्वालिटी वो परीक्षे के एल्मा के अंदर बचपन से ही है मैं हमेशा सिखाता हूँ कि बेटा हमेशा देने वाली बनो गिवर बने पैसों का जो गिफ्ट लेना इससे उसको एहसास होगा कुर्बानी का ये मैंने दिया हाँ नहीं कुर्बानी भी ना अपनी पॉकेट मनी सेव करती है क्योंकि मेरे अपने सिक्के विक्के जो भी है ना पैसे जेब से निकाल लेती है लेके मुझे अपने गुल्लक में रखने तो ये बहुत अच्छी है कि कुर्बानी का एहसास होगा एल्मा को और बच्चों में ही होना चाहिए बचपन से ही सिखाना चाहिए देना गिविंग गिविंग है ना एल्मा थैंक यू सो मच हनी आई लव इट एंड परीक्षा आई लव यू और अरीबा थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन तुम्हें बहुत याद रहता है इन सब चीज़ों का जाहिर है तुमने ही किया है एल्मा बच्चों के साथ प्लान करके वैसे ये कार के पीछे सजाने का किसका तुम्हारा ही आइडिया था मुझे यही लगा और तुमने जिस चलाकी से मुझे ट्राइपॉड अंदर लेने भेजा मुझे इसका तो आइडिया नहीं था और कार का बाकी आइडिया भी बहुत अच्छा यार इस तरीके से अगर पीछे जगह हो आप और बर्थडे वो फादर्स डे का मुझे भी याद है एल्मा ने बताया अच्छा एल्मा ने ही बताया और तुम लोगों ने बड़ा अच्छा प्लान किया फुल देसी देसी सूट पहन के भाई यार सारे देसी बने हुए सिर्फ मैं ही जो है ना अंग्रेज बना हुआ हूँ चले अब हाँ चलो चलो भाई ओके गाइस अभी अभी हम लोग दावत से बस घर पहुंचे मजा आया बहुत और जो दोस्त है वो बंदा उससे बड़ी अच्छी बात लगती है बड़ा मजा आता है मतलब सही ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है मिलना जुलना कम होता लोगों से तो उससे जो है जब मिला जब भी मुलाकात होती है जब भी फोन पे बात होती है तो बड़ी लंबी बात लगती है क्योंकि
पॉलिटिक्स में बात लगती है, हर किस्म के टॉपिक में बात लगती है, तो ही हैज अ लॉट टू से। तो इस ऐसे बंदों के साथ फिर कन्वर्सेशन करने में बहुत मजा आता है, मतलब आप ऐसे बंदों को सुनने में ही मजा आता है। तो वेरी नाइस मीटिंग विद हिम, दावत भी बहुत अच्छी रही और मजेदार खाना बहुत मजेदार था, खाने में हमें बहुत मजा आया। और अब ऐसी हो गई है कि खाना ऐसा मंड के खाया आपके भाई ने, टिका टिका के खाया, भूख लग रही थी। जब हम लोग जा रहे थे रास्ते से, हमें उनके लिए कुछ लेना था, तो एक बेकरी दिखी थी पाकिस्तानी स्टाइल बेकरी, तो वहाँ से जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें मिली जो पाकिस्तान के बेकरी में मिलती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कम मिलती हैं इस तरह की चीज़। मैं आपके लिए भी, हमने जो जो एक बॉक्स बनवाया वही अपने लिए भी एक बॉक्स बनवाया केक रस के, बिल्कुल ये फ्रेश बेकरी के बने हुए, ऐसा नहीं जो दुकान में जो पैक होते हैं ये वो नहीं है, खुले हुए फ्रेश बेकरी के बने हुए केक रस के, मज़ेदार। तो ये एक किलो मैंने ये पैक कर लिए थे घर के लिए। और जो पेस्ट्री होती हैं, जो केक जो बने हुए इस तरह से कटे हुए होते हैं क्रीम केक, ये वनीला चॉकलेट, मैंने दुकान पे गया, मैंने भाई जो जो फ्लेवर है सारे मिक्स कर दो थी उनके पास। मैं पाकिस्तान में जब था तो मैं बहुत शौक से खाता था ये चीज़, इसके अंदर जो क्रीम भरी हुई होती है, तो ये चीज़ भी थी। ये चीज़ मैंने बस चार लिए, मैंने ज़्यादा नहीं लिए, मैंने पता नहीं भाई दूसरों को अच्छी लगे नहीं लगे। बाकी रस्ते में एक फ्रूट की दुकान देखी थी तो केले ले लिए थे। तो गाइस इस अपडेट के साथ साथ एक दूसरी अपडेट ये है कि मेरा जो दोस्त है शहजाद, आपको याद होगा जो हमारे साथ सैन किडला प्लेग्राउंड में जो गया था अपनी फैमिली के साथ, कल हमारे घर आ रहा है। खास करके उसकी वाइफ मेरी भाभी ने रिक्वेस्ट की थी सास को के हाथ का खाना खाएंगे। तो मेन्यू में क्या है भाई? मेन्यू में है दाल वाले पराठे और खीर और कीमा और आलू छोले का सालन और शाम का नाश्ता अलग। ओके परीजा, बाय बाय कर दे। बाय बाय। ओके गाइस बाय बाय, मदद लूंगा, दुआ में याद रखेगा, अपना ख्याल रखा करें, जो जी में आ रहा करें पर अच्छी चीज़ें करें, गलत चीज़ें ना करें, अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।